हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य प्रश्न उत्तर 331। अभिव्यंजनवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? क्रोचे। 332। जयसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? आखिरी कलाम। 333। विष्ठव दैतवेद का प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? उत्तर, रामानुजाचार्य। प्रश्न नंबर 334। गोनिय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? उत्तर, चैतन्य महाप्रभु। प्रश्न नंबर 335। और कवि गढ़िया नंदास जड़िया किसने कहा? उत्तर, नंदुलारे वाजपेयी। प्रश्न नंबर 336। ऋषिमृति का नायक कौन है? उत्तर, कर्ण। प्रश्न नंबर 337। प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का प्रमुख पात्र कौन है? उत्तर, हल्कू झबरा। प्रश्न नंबर 338। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? उत्तर, धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 339। पेरिहिप्सूस के आधार पर काव्य के उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तक किसने किया? उत्तर, लोनजायंस। प्रश्न नंबर 340। श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और ज्ञान चिंतित होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? उत्तर, विलियम वर्ड्सवर्थ। प्रश्न नंबर 341। प्रतिभा का संबंध किससे है? उत्तर, काव्य हेतु से। प्रश्न नंबर 342। किस रासो काव्य की कथा का वर्णन शुकी तथा शुकी के द्वारा किया गया? उत्तर, पृथ्वीराज रासो। प्रश्न नंबर 343। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लाड़ रूपक कहा है? उत्तर, भारत दूरदर्शा। प्रश्न नंबर 344। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, पंक्तियाँ किस नाटक की है? उत्तर, स्कंदगुप्त। प्रश्न नंबर 345। किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? उत्तर, मित्रों मरजानी, कृष्णा सोबती। प्रश्न नंबर 346। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद, पंक्तियाँ किसकी है? उत्तर, कामयानी। प्रश्न नंबर 347। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही को, पंक्तियाँ किसकी है? उत्तर, अज्ञेय। प्रश्न नंबर 348। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के लेखक कौन है? उत्तर, विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न नंबर 349। वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? उत्तर, 22। प्रश्न नंबर 350। हिंदी के पहले कही जाने वाले उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी के लेखक कौन है? उत्तर, पंडित गोरीदत्त। प्रश्न नंबर 351। अस्थि चमचे दे ममतासो ऐसी प्रीति, जो होती श्री राम में होती ना तो भवती, किसकी पंक्ति है? उत्तर, रत्नावली तुलसीदास की पत्नी। प्रश्न नंबर 352। अज्ञेय की प्रसिद्ध कहानी रोज पहले किस शीर्षक से छपी थी? उत्तर, गैंगरीन। प्रश्न नंबर 353। सरस्वती कंठाभरण रचना किसकी है? उत्तर, भोजराज। प्रश्न नंबर 354। ललित ललाम के रचयिता कौन है? उत्तर, मतीराम। प्रश्न नंबर 355। सभी नचावत राम गुसाई किस विधा की रचना है? उत्तर, उपन्यास लेखक भगवती चरण वर्मा। प्रश्न नंबर 356। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? उत्तर, हरिदास निरंजनी। प्रश्न नंबर 357। 1455 साल गए चंद्रभान एक ठाट भाए, जेठ सुदी बरसाइत को पूरनमासी प्रकट भये, यह पंक्ति किस रचनाकार की ओर संकेत करती है? उत्तर, कबीरदास।